विदिशा जिले के गंज बासोदा में अब कोरोना से भी बड़ा खतरा आर्थिक मंदी और भुखमरी साबित हो रही है, जिसके चलते आर्थिक मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। विवाह आयोजनों में सीमित लोगों की स्वीकृति के कारण बुकिंग कैंसिल हो रही है। परेशान व्यापारियों ने SDM को प्रदेश के मुखिया के नाम ज्ञापन सौंपा है। पिछले वर्ष कोरोना के कारण टेंट, कैटरिंग, होटल, गार्डन, हलवाई, वीडियोग्राफरों के संबंधित व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को सबसे ज़्यादा आर्थिक तंगी इस दौर से गुजरना पड़ा। इस वर्ष भी अच्छे सीजन की आस लगाए व्यापारियों ने उम्मीदों पर कोरोना ने फिर पानी फेर दिया है। शासन और प्रशासन द्वारा सुरक्षा दृष्टि से प्रतिबंधों के कारण इस वर्ष भी माली हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। मांगलिक आयोजनों संबंधित व्यवसाय से जुड़े व्यापारी आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं, अब भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। पिछले दो वर्षों में अब 60 दिन ही बचे हैं जिसमें शादी विवाह जैसे आयोजन संपन्न होना है, लेकिन प्रशासन की गाइडलाइन के चलते आयोजक अपने प्रोग्राम निरस्त कर रहा है, जिसमें व्यापारी और उनके जुड़े हुए कर्मचारी अपने घर खर्च और उनकी तनख्वाह निकालने में असमर्थ हो रहे हैं। शादी विवाह जैसे आयोजनों से जुड़े व्यापारियों में आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि हम सभी व्यापारियों को व्यापार करने के लिए वर्तमान गाइडलाइन में परिवर्तन कर आयोजकों को 500 व्यक्ति की परमिशन प्रदान की जाए। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जुड़ी रहती है, हम सभी ने कार्यक्रम करने वाले नागरिकों से एडवांस राशि दे रखी है एवं अपने कर्मचारियों को एडवांस राशि दे रखी है। कार्यक्रम रद्द होने की स्थिति में हम नागरिकों को एडवांस रकम वापस करने में असमर्थ रहेंगे एवं व्यवसाय न होने की स्थिति में हम सभी व्यापारी एवं हमसे जुड़े कर्मचारी भुखमरी की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हम सभी हलवाई एसोसिएशन के जुड़े हुए लोग हैं, कैटरिंग से जुड़े हुए लोग हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करते हैं। सरकार से अनुरोध है कि जो 100 और 200 लोगों का खाना सीमित कर दिया है उसको बढ़ा के 500 लोगों में तब्दील किया जाए, जिससे हम लोगों की जीवन प्रक्रिया सही चल सके और आर्थिक स्थिति सुधर सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सब लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो लोग परेशान हो रहे हैं, कैटरिंग वालों का काम नहीं चल पा रहा, वेटर परेशान है और स्टेट वाले परेशान है, इस क्षेत्र सब कर्मचारी परेशान है, पूरी वाली भाइयाँ भी परेशान है। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि 500 लोगों का खाना सीमित करें, जिससे हमारा व्यापार और धंधा अच्छा चल सके। व्यापारी आज COVID-19 की अचानक जो गाइडलाइन तय की है जिसमें 50 लोगों की अनुमति दी गई है, ऐसे में हमारे सभी कार्यक्रम नष्ट हो जाएंगे और हो रहे हैं। हमारे सभी कर्मचारी बेरोजगार होकर भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। इस संबंध में हम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके ज्ञापन देकर निवेदन कर रहे हैं। हम इस सभी व्यापारी बंधुओं को, हमसे जुड़े हुए सारे स्टाफ को 500 लोगों के कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान करें, अन्यथा हम सभी लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उसकी हमें अनुमति प्रदान करें या हमारे व्यवसाय को चालू करने की हमें अनुमति दें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।